भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहता है तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आपको पहले ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये मीडिया का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आ जाने के बाद आपको सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ से इसको वॉल्यूम पहले कम कर देना है। आपको अपने इस वीडियो का रिकॉर्डिंग कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। आपको मोबाइल पहले नीचे ऐसे रखना है जिसमें आपका स्काई ज़्यादा दिखे, और उसके बाद आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ज़मीन से ऐसे ऊपर उछलना है बस, ठीक है। ये जो उछलता है ये हम लोग को काम आएगा आगे जाके, अभी मैं बताता हूँ। पहले आपका जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो आपका काम करनी है उछलने के पहले वाला, उस पार्ट को आप यहाँ से पहले ट्रिम कर दीजिए। फिर आपका जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी ट्रिम करना रहेगा। इसमें आपको ये देखना है कि आप उछल रहे कब है। देखिए ये आपने उछला अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे बाकी वाला पार्ट आप इसको ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। इसके बाद आपको इस वाले पार्ट का एक कैप्चर ले लेना है। आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और कैप्चर एंड सेव कर दीजिए। इसका कैप्चर आपके गैलरी में सेव हो गया है। अभी उसका बैकग्राउंड निकालना है। वो कैसे निकालना मैं बता देता हूँ आपको। आपको अपने गूगल में जाके remove.bg लिखना है, फिर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपके सामने ये अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में जाके उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको बैकग्राउंड निकालना है। देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये डाउनलोड होकर आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए वापस चलते हैं काइन मास्टर में। अब आपको यहाँ पर मीडिया पर जाना है और वहाँ से आपको स्काई का वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्काई वीडियो आ जाने के बाद आपने इस इमेज का जो बैकग्राउंड रिमूव किया था उस इमेज को वापस से लेकर आना है। उसके लिए आप लेयर पर जाइए, मीडिया पर जाइए और जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था उसको लेकर आ जाइए। ये आ जाने के बाद आपको इसको जूम करके इसके बराबर कर देना है। देखिए मैं इसके बराबर कर देता हूँ, एकदम बराबर रहना चाहिए, थोड़ा पता ना चले उस तरह है। फिर इस कैप्चर को आपको इस स्काई वीडियो के बराबर कर देना है, ठीक है। अब आप एक बार इसको प्ले करके देखेंगे। देखिए हुआ। अभी आपको क्या करना है, इस स्काई वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है, फिर स्पीड में जाना है, फिर इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, इतना रखिए, ओके कीजिए, तो आपका जो स्काई है वो थोड़ा स्पीड में जाएगा, देखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना है और आपको लेयर पर जाना है, फिर आपको स्टिकर में जाना है, ठीक है। फिर आपको ये मिस्ट्रीज फॉग का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद स्मोक वाले इफेक्ट को यहाँ पर छोटा कर दीजिए। अब आप प्ले करके देखिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर ऑडियो पे जाना है, फिर आप अपने पसंद का म्यूजिक कोई सा भी लगा सकते हैं। मैंने जो भी म्यूजिक यूज़ किया है उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आना है। आपको जहाँ तक वीडियो चाहिए वहाँ तक रखिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए। फिर नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, फिर ओके कीजिए। आपका वीडियो बन जाने के बाद आपको इस सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।